हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय आंशिक अंक सुधार की एक दिवसीय परीक्षा 26 जुलाई से 23 अगस्त तक करवाया जा रहा है। परीक्षाओं को देखते हुए बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई। ये धारा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा वाले दिन परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इसकी जानकारी बोर्ड प्रवक्ता ने दी। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा को सफल बनाने के लिए शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा के समय जब तक सभी केंद्रों पर एक एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, सभी ऑब्जर्वरों को दिशा निर्देश दिए गए कि वे अपनी परीक्षा ड्यूटी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी व निष्ठा से करें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सेकेंडरी कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय, पूर्ण विषय अंक सुधार, आंशिक अंक सुधार और विशेष अवसर परीक्षाएं 27 जुलाई से 4 अगस्त तक होंगी। इस परीक्षा में प्रदेश भर में 71 परीक्षा केंद्रों पर 38,504 परीक्षार्थी, जिनमें 21,802 छात्र और 16,702 छात्राएं होंगे। वहीं DLED और मर्सी चांस परीक्षा 27 जुलाई से 23 अगस्त तक करवाया जाएगा। इस परीक्षा में प्रदेश भर में 73 परीक्षा केंद्रों पर 32,840 छात्र अध्यापक परीक्षा देंगे। इन परीक्षाओं में 16,825 छात्राएं और 16,015 छात्र शामिल हैं। सभी पात्र परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र कलर A4 पेपर पर ही प्रिंट करें और कलर फोटो प्रवेश पत्र पर चिपकाएं। प्रवेश पत्र पर अपने संबंधित विद्यालय से स्थापित भी करवाएं, क्योंकि बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देश का पालन करें और परीक्षा में आरंभ होने से 30 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक सामान वर्जित है। यदि कोई छात्र नकल करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।